हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एमएलटी पर। आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में। तो क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनको ये पता होना चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो होते क्या है, कैसे उनको हम डिफाइन करते हैं, उनका केमिकल नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले इनको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो दीज आर प्लाज्मा कंपोनेंट्स। क्या होते हैं ये, प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। ब्लड का जो क्लोट बनेगा, ब्लड की जो क्लोटिंग की प्रोसेस होगी, थक्का जो बनेगा उसमें जो कंपोनेंट इन्वॉल्व रहेंगे, जो रोल प्ले करेंगे, उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम दोनों टर्म यूज करते हैं, देखो क्लोटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं और कोएगुलेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं। मेनली क्या होते हैं ये, मेनली किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। मेनली हम क्या कह सकते हैं, दीज आर प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा विच आर इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड या फिर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये थी डेफिनेशन की ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते क्या है। देखो कहीं पर भी मान लेते किसी इंडिविजुअल को क्या होती है, इंजरी होती है, तो आप सभी को पता है इंजरी होने के बाद वहां से क्या करेगा, ब्लड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और ब्लड जो फ्लो करेगा वो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाता है, और स्टॉप होने का रीजन हम पढ़ते कि वहां पर जो ब्लड है वहां पे क्लोट हो चुका है, ब्लड की वहां पर क्लोटिंग हो चुकी है। तो ये क्लोट बनने के लिए, ब्लड का क्लोट बनने के लिए, थक्का बनने के लिए जितने सारे प्रोटीन्स वहां पर अपना रोल प्ले करेंगे, उन सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाम यानी कि ये जो क्लोटिंग फैक्टर, इनके नाम हम देखेंगे किसका क्या नाम है। बेसिकली क्या है, देखो एक से लेकर 13th तक ये नाम दिए गए हैं क्लोटिंग फैक्टर्स को। ठीक है, इनके अंदर से जो 6th अपने पास फैक्टर रहेगा वो अनसाइंड है, यानी कि उसको जो पहले जानते थे हम, बाद में पाया गया कि वो एक्टिवेटेड 5th फैक्टर ही है, एक्टिवेटेड 5th फैक्टर ही है, तो इसलिए 6th को हम अनसाइंड पढ़ते हैं। तो टोटल अपने क्लोटिंग फैक्टर 12 हमको पढ़ने हैं, कितने 12 क्लोटिंग फैक्टर्स के नाम अभी हम याद करेंगे, साथ के साथ याद हो जाएंगे बिल्कुल, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और नोट करना है। तो देखो ये क्लोटिंग फैक्टर्स की लिस्ट आपके सामने, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस फैक्टर का कौन सा नाम है, तो उसके लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहला फैक्टर जो रहेगा, फैक्टर नंबर 1, देखो जो नंबरिंग की गई है वो अपने पास इसके हिसाब से की गई है कि उनकी अपने पास डिस्कवरी कब हुई थी, ना कि ये सीक्वेंस में कि एक के बाद 2 रोल प्लेगा, 2 के बाद 3, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स की जो नंबरिंग है वो उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग हुई, कि पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद में किसकी डिस्कवरी हुई थी, ना कि ऐसा है कि रोल प्ले के हिसाब से, यानी कि प्रोसेस के हिसाब से इनका कुछ लेना देना नहीं है। तो फैक्टर नंबर 1 जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम रहेगा फिब्रिनोजन। पहले हम 4 याद करेंगे, पहले हम स्टार्टिंग वाले 4 याद करेंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहां तक का टारगेट लेते हैं, अभी साथ के साथ याद हो जाएंगे ऐसे। फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोमिन, फैक्टर नंबर 3 टीशू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टीशू फैक्टर जिसको बोला जाता है, और फैक्टर 4 आयनाइज्ड कैल्शियम या फिर कैल्शियम। तो 4 याद किए पहले, कौन कौन से, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टीशू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टीशू फैक्टर, और चौथा अपने पास कैल्शियम। फिर से बोलो, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टीशू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टीशू फैक्टर और कैल्शियम, पहले 4 याद है। उसके बाद हम याद करेंगे 5, 6 और 7। 6 का मैंने बताया आपको अनसाइंड है, ठीक है, ये एक्टिवेटेड 5th। देखो किसी भी क्लोटिंग फैक्टर के पीछे अगर ए लगा हुआ है तो उसका मतलब ये एक्टिवेटेड है। ठीक है, ए जो लगा पीछे उसका मतलब ये एक्टिवेटेड 5th फैक्टर है। ठीक है, तो अब देखो अपने पास 6 का हमको याद नहीं रखना, 6 क्या है, अनसाइंड है, यानी कि उसको हमने नहीं पढ़ना। उसके बाद क्या है, 5 और 7, 5 क्या अपने पास लेबाइल फैक्टर है, 5 क्या है लेबाइल, और 7 क्या है स्टेबल फैक्टर रहेगा। ठीक है, इनका दूसरा और नाम क्या है, जो फैक्टर 5 है उसको हम बोलते हैं प्रो एक्सेलरीन, क्या बोलते हैं प्रो एक्सेलरीन, और जो 7 अपने पास उसको भी क्या बोलते हैं
प्रो कन्वर्टिन, क्या बोलते हैं प्रो कन्वर्टिन। तो पांच और सात और हमने याद कर लिए, पांच लेबाइल है और सात स्टेबल है। पांच का दूसरा नाम क्या है प्रो एक्सेलरिन और सात का क्या नाम है प्रो कन्वर्टिन। तो सात तक अपने क्या हो गए याद हो गए। याद करने का तरीका क्या है, इनको एक बार पढ़ो फिर अपने पास कॉपी में लिख के देखो। कॉपी में जब आप लिख के देखोगे जो आपको याद हो गया वो लिख दोगे, जो नहीं याद हुआ वो छूट जाएगा, उसको फिर से याद करो, फिर से याद करके फिर से लिख के देखो फिर याद करो, ठीक है। तो दो तीन बार जब आप लिख के देखोगे तो ये तभी याद हो जाएंगे। अच्छा तो सात तक अपने कंप्लीट हो चुके, कैसे, पहला फिब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा टिश्यू फैक्टर या फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम है, पांचवा लेबाइल फैक्टर है, छठा अनसाइंड है और सातवां क्या है स्टेबल फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आठवां और नौवां हम पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन में, हीमोफीलिया डिजीज जिसकी वजह से होती है। तो दो हीमोफीलिया हमने पढ़े थे, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये दो टाइप हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए में किसकी डिफिशियंसी होती है फैक्टर एट और बी में फैक्टर नाइन, ठीक है। तो फैक्टर एट जो है उसको हम बोलेंगे एंटी हीमोफिलिक ए, क्या बोलेंगे एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर या फिर सिंपली एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। सिंपली आपसे बोल दिया जाए कि एंटी हीमोफिलिक कौन सा, तो फैक्टर आठ रहेगा, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है हीमोफीलिया ए होता है। फैक्टर नाइन जो है उसका क्या नाम है देखो, उसको हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है। क्रिसमस फैक्टर किस फैक्टर का दूसरा नाम है, यानी कि फैक्टर नाइन का, ठीक है। फैक्टर नाइन का दूसरा नाम क्या है, क्रिसमस फैक्टर है। एक और नाम यहाँ पे दिया गया है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ठीक है। ये याद रहे ना रहे लेकिन क्रिसमस फैक्टर आपको जरूर याद रखना है। और क्रिसमस फैक्टर की डिफिशियंसी से क्या होता है, हीमोफीलिया बी होता है, ठीक है, हीमोफीलिया टाइप बी होता है। तो ये था आठवां और नौवां जिसमें हमने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा था। उसके बाद है फैक्टर टेन। फैक्टर टेन को क्या बोलते हैं, देखो फैक्टर टेन का नाम याद रखना आपको स्टोर्ट प्रोवर फैक्टर, क्या है स्टोर्ट प्रोवर फैक्टर। उसके बाद क्या अपने पास इलेवंथ आ गया, इलेवंथ में क्या है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनसी एंटीसीडेंट, देखो ये नाम याद रखना है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है, ये अलग है यहाँ पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। तो ये 11वां रहेगा, 12वां रहेगा हेगमैन फैक्टर और 13वां जो रहेगा वो रहेगा फिब्रीन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिब्रीन को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर कौन सा, तो फैक्टर 13 रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि किस फैक्टर का कौन सा नाम है, तो नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये टेबल आपको करवाई गई है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फैक्टर नंबर वन फिब्रिनोजन, फैक्टर नंबर टू प्रो थ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर तीन टिश्यू फैक्टर, फैक्टर नंबर चार कैल्शियम, इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा पूछा जाता कि कौन सा आयन है जो ब्लड क्लोटिंग में अपना रोल प्ले करता है, तो कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन कौन सा फैक्टर है, तो फैक्टर नंबर फोर। उसके बाद पांचवां रहेगा लेबाइल फैक्टर, सातवां रहेगा स्टेबल फैक्टर, आठवां रहेगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और नौवां रहेगा क्रिसमस फैक्टर, दसवां रहेगा स्टोर्ट प्रोवर फैक्टर और ग्यारहवां रहेगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट और 12वां रहेगा हेगमैन फैक्टर और 13वां रहेगा फिब्रीन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जो सबसे पहला उसमें भी फिब्रीन है और लास्ट वाला उसमें फिब्रीन है। पहला फिब्रिनोजन यानी कि जो आगे फिब्रीन को बनाएगा, फिब्रिनोजन यानी कि फिब्रीन को बनाने वाला कंपोनेंट फिब्रिनोजन, ठीक है। फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है ना बाद में किसमें, फिब्रीन के अंदर, जब भी क्लोटिंग की प्रोसेस चलती है, और उसको स्टेबलाइज करने का काम कौन सा फैक्टर करता है, फैक्टर नंबर 13 करता है। तो आई होप आप इन सभी फैक्टर्स के नाम को अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या याद रखना, देखो जो मेनली सिंथेसाइज की जाते हैं ना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि क्लोटिंग फैक्टर्स जो है मेनली कहां पर सिंथेसाइज होते हैं, तो वो सिंथेसाइज होते हैं अपने लीवर में, कहां पर, लीवर में। तो अब आपको बताना चाहिए कि लीवर में कौन से फैक्टर सिंथेसाइज नहीं होते, क्या होते नहीं होते, तो फैक्टर तीन चार आठ ऐसे फैक्टर हैं जो कि लीवर में सिंथेसाइज नहीं होते।
तो वी कैन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर एक्सेप्ट फैक्टर 3, 4 एंड 8। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है कि कौन सा फैक्टर है जो लीवर में सिंथेसाइज नहीं होता, तो 3, 4, 8 ये तीन आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको चार फैक्टर है विटामिन के डिपेंडेंट जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो चार है। वो चार कौन कौन से हैं, वो चार कौन कौन से हैं, 2, 7, 9 और 10। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन से चार टाइप के फैक्टर है जो कि विटामिन के डिपेंडेंट होते। तो फैक्टर 2, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 9 और फैक्टर 10। तो ये चार फैक्टर है जो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। विटामिन कौन सा इन्वॉल्व होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चारों फैक्टर याद हो गए कौन कौन से हैं, 2, 7, 9, 10। 2 और 7 कितने होते हैं, 9 और 9 के बाद 10। ठीक है, 2, 7, 9, 10 ये चार जो हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता कि कौन सा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, कौन सा जो है अपने पास क्लोटिंग फैक्टर है जो कि ब्लड को स्टोर करने पर सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है। तो फैक्टर 5 और 8 ब्लड को स्टोर करने के बाद जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, फैक्टर 5 और 8 जो है स्टोरेज डिस्ट्रॉय, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑन स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज जब हम इनका करते हैं तो ये दो फैक्टर क्या करते हैं, लेबाइल होते हैं, ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान जो है वो किस क्लोटिंग फैक्टर का होता है, तो होता है अपने पास फैक्टर सेवन का जो है लाइफ स्पान शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना, देखो सबसे पहले नेम याद रखने हैं, दूसरा विटामिन के डिपेंडेंट कौन कौन से हैं, तीसरा लीवर में कौन से सिंथेसाइज नहीं होते, लीवर में कौन से सिंथेसाइज नहीं होते ये आपको याद रखना है, और चौथा लेबाइल फैक्टर कौन से हैं 5 और 8 यानी कि स्टोर करने के बाद जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और नंबर 5 में शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान किस क्लोटिंग फैक्टर का है जो कि फैक्टर 7 का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हर एक एग्जाम से पहले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।